अब यार स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 7 मिसेलेनियस एक्सरसाइज है, चैप्टर 11 चल रहा है हमारे पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एंड दिस वन इज द अनदर इक्वेशन ऑफ द अनदर प्लेन। दो प्लेन हमारे पास है और पहले इस सम को क्या करो आप आधा ही समझ लो, आधा समझने के बाद हम आगे चले जाएंगे। इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है व्हिच कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, इन दोनों का इंटरसेक्शन जहां से होगा वहां पर एक और प्लेन जा रहा है, बात समझ रहे हैं। और हमें ये अच्छे से पता है, आपने कई बार याद रखा था, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन और जो कहां से पासिस करेगा, पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन इज, वो क्या आएगा, मैंने आपको समझाया था ना ब्रदर, याद है पूरा का पूरा, इसे यहां से लेके यहां तक लिखो, लिख लिया, प्लस लगाओ, याद आ रहा है कुछ, बीच में क्या रखो लैम्डा और फिर इसको रख दो इक्वल टू जीरो, वो इक्वेशन किसकी हो जाएगी, उस प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाएगा। तो आप समझ गए मेरी प्लानिंग, तो आर आपने यहां पे रखा डॉट और आपके पास है आई प्लस टू जे प्लस थ्री के और फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शन है माइनस फोर और फिर उसके बाद प्लस लगाया आपने लैम्डा लिखा और अब क्या लिखना है, समझ गए ना बात को, डॉट टू आई प्लस जे माइनस के और ब्रदर यहां पे आपने प्लस फाइव लिखा इक्वल टू जीरो। कितना सिंपल है, आपको याद भी आ गया, इन दोनों को रखना है बीच में लैम्डा लगाना है। अब हमने क्या करा था याद है थोड़ा, जो हमारे पास ये पासिस थ्रू पॉइंट वाला आर होता है पोजिशन वेक्टर, आप इसको बाहर ले लो कॉमन में, आपने यहां ले लिया, आपके पास यहां क्या बचा वन आई और यहां पे क्या बचा है टू लैम्डा आई, बात समझ रहे हो, तो कितना हो गया जी टू लैम्डा प्लस वन आई, बीच में प्लस है ना, अच्छा चलिए यहां पे समझिए टू जे और यहां पे क्या है वन लैम्डा जे, तो आपके पास क्या बचेगा लैम्डा प्लस टू जे, ये ऑप्शन हो गया। चलिए तीसरे को भी देख लीजिए, तो यहां पर आपके पास है कितना माइनस लैम्डा, माइनस लैम्डा आपके पास है और यहां कितना है थ्री, तो थ्री माइनस लैम्डा के, ये आपके पास के भी आ चुका है। चलिए अब आगे सोच लीजिए, यहां पर माइनस फोर था, ये रहा आपका माइनस फोर और यहां पर प्लस के फाइव लैम्डा था इक्वल टू जीरो, ये ऑप्शन आ रहा है समझ में सारा, तो ये ऑप्शन हम यहां तक ला चुके हैं, ये आपके पास ये ऑप्शन है, बात समझे। अच्छा अब इसको समझिए, कभी भी कोई भी जो प्लेन की इक्वेशन होती है इसमें ये क्या होता है, ये होता है पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर यानी जो पासिस थ्रू पॉइंट से बनता है, ये पोजिशन वेक्टर है पासिस थ्रू पॉइंट से बना है और अंदर कौन होता है नॉर्मल वेक्टर, यानी कि ये कौन है नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है। अब इसने क्या कहा कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो प्लेन आएगा वो परपेंडिकुलर है इसमें, और परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी हमें क्या याद रहती है कि ए वन प्लस ए वन मल्टीप्लाई ए टू प्लस बी वन मल्टीप्लाई बी टू, तो वो ध्यान आ रहा आपको क्या था वो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू कितना जीरो, ब्रदर ए वन कितना है ये रहा और ए टू यहां पर आपके पास बी वन और ये कितना है आपके पास सी वन और ये कौन है ए टू है ना ए टू, ये कौन है बी टू और ये कौन है सी टू। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए फाइव की, इससे मल्टीप्लाई करेंगे टेन लैम्डा प्लस फाइव, अब यहां पर थ्री की मल्टीप्लाई करिए आप यहां पे, तो कितना आ गया थ्री लैम्डा प्लस सिक्स, माइनस सिक्स की मल्टीप्लाई करिए माइनस एटीन प्लस सिक्स लैम्डा और ये आपके पास इक्वल टू जीरो, ए बी सी की यहां पर डायरेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दी, टेन लैम्डा ये रहा और कहा है जी ये रहा सिक्सटीन लैम्डा, सिक्सटीन में से थ्री चले गए सर आपके पास कितना आ गया थ्री एड हो गए सॉरी, तो ये तीनों ही प्लस के हैं तो आपके पास कितना आ गया है 19 लैम्डा इक्वल टू, अब यहां पे देखिए 5 और 6 11 और 11 में से आपके पास ये 18 माइनस करेंगे आप 18 में से 11 क्या 7, 7 को उधर लेके जाएंगे ये आ गया 7, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया 7 अपॉन 19, यहां तक बात समझ में आ रही है ठीक है। तो अब आप लैम्डा की वैल्यू आपको कहां रखनी है ब्रदर, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन वाली ये रही यहां पर इस वाली इक्वेशन में आपने जहां जहां लैम्डा दिख रहा है वहां पर लैम्डा को रख लेना है। तो चलिए हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी आपके पास वो क्या जाएगी यहां पर आर रखिए, समझ रहे बात को, अच्छा टू लैम्डा प्लस वन, देखिए भाई आप यहां पे सोल्व कर लीजिए लैम्डा कितना है आपके पास 7 अपॉन 19
प्लस वन यहाँ पे रखिए, तो आपका ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलिए मेरे पास स्पेस कम है, तो ये आपके पास हो गया 33 अपॉन 19 आई, ठीक है। अच्छा यहां पर रखिए लैम्डा के प्लेस में, आप लैम्डा के प्लेस में 7 अपॉन 19 आपने रखा, तो ये कितना हो गया आपका, और 19 टू 38 और 38 टू 45 आपके पास आ गया अपॉन 19 जे। और यहां पर रखिए आप फिर से लैम्डा रखिए, यहां पर आपने लैम्डा रखा तो कितना हो गया है, तो 19 और 19 3 या 57 में से 7 गए, आपके पास ये ब्रदर आ गया 50 अपॉन 19 के, बात समझ रहे हैं। चलिए बाहर भी लैम्डा रखिए, और लैम्डा आपने यहां पर रखा तो 75 या 35 और 936 ये आपके पास आ गया माइनस 41 अपॉन 19 इक्वल टू 0, ये ऑप्शन आ गया। तो ये ऑप्शन आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है बट इन वेक्टर फॉर्म पे है, ये आंसर भी चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म पे इक्वेशन ऑफ ये प्लेन चाहिए, तो आप क्या करते हैं, याद है ना आपको, आप जो पोजिशन वैक्टर है इसको किस तरह से लिख लेते हो, आई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आप रख लीजिए, और यहाँ पे स्केलर होता है ना, तो यहाँ पे 33 अपॉन 19 आई समझ रहे, प्लस 45 अपॉन 19 जे, और प्लस 50 अपॉन 19 के, और माइनस 41 अपॉन 19 इक्वल टू 0, ये आ गया। ब्रदर जब आप स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास ये क्या रह जाएगा, देखिए x की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 33x रह जाएगा सिर्फ, ये क्या रह जाएगा 45 y, और ये क्या रह जाएगा आपके पास z, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये आपके पास हट गया, ठीक है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी है वो आपकी हट चुकी है, अब क्या करिए आप 19 से एलसीएम ले लीजिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास जो अपॉन में 19 था सबका वो भी यहां से हट जाएगा, तो ये आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन आ चुकी है प्लेन की, और इस तरह से आप इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन है। आई होप ये जो इजी सम था आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।